नमस्कार, प्रयास में मैं अनूठा और मैं अंगूठा आप सबका स्वागत करते हैं। दोस्तों, जिंदगी जीने के लिए जितना जरूरी खाना पीना होता है उतना ही जरूरी है हंसी मजाक यानी हास प्रयास। हंसते हंसाते रहने से अपनी सेहत भी ठीक रहती है और अड़ोस पड़ोस भी ठीक रहता है, ऐसा बुजुर्गों ने कहा है। जनाब, प्रयास वो प्रयास ही क्या जिसमें छुपी हुई कोई बात ना हो। शादी वो शादी ही क्या जिसमें मियां बीवी का साथ ना हो। दोस्तों, हंसते हंसाते अगर कुछ ज्ञान वर्धन भी हो जाए तो आप कहेंगे ना, इसे कहते हैं सोने पे सुहागा, समझे? सोने पे सुहागा, ये बात तो बुजुर्ग लोग कह के गए हैं, लेकिन ज्ञान ज्ञान क्या? ज्ञान वर्धन यानी अधिक जानकारी। बचपन में जब तू छोटा था। बचपन में मैं छोटा था? बचपन में सारे बच्चे छोटे होते हैं। चुप रह। ठीक है। उस वक्त अगर स्कूल चला जाता, पढ़ लिख लेता तो तुझे इन सब बातों का पता होता, समझे? क्या बात कर रहे हो यार, स्कूल तो मैं गया था यार। तीन दिन स्कूल। वेरी गुड, मुबारक हो, मुबारक। तीन दिन स्कूल क्यों गया था यार? बात ऐसी है कि पहला स्कूल मुझे पसंद नहीं आया तो मैंने उसको छोड़ दिया। क्यों यार? वहाँ पढ़ाते थे यार। अरे स्कूल में पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं तो और क्या करेंगे यार? मुझे क्या पता यार, मैं तो बच्चा था। अच्छा, दूसरा स्कूल? यार दूसरा स्कूल वो मैंने नहीं छोड़ा, उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया। क्यों हुआ यूं? एक दिन हमारे मास्टर जी धूप सेकते हुए सो रहे थे और मैंने क्या किया, एक लंबी पटाखों की लड़ी लाके उनकी धोती में बांध दिया। जो ही मैंने लड़ी को सुलगाया, पटाखे फटाक, मास्टर जी चटा, लड़ियां सारे मास्टर जी के गोद पे। फिर क्या यार, देखते ही देखते मास्टर जी कलर से ब्लैक एंड व्हाइट हो गए। यार लड़ी की तो पता नहीं, लेकिन उनकी छड़ी मेरे ऊपर ऐसे पड़ी, तड़ा तड़। उस दिन से मैंने उस स्कूल से और उस स्कूल वालों ने मेरे से तौबा कर ली। और तीसरा स्कूल? यार तीसरा वो अच्छा था यार, लेकिन उसे भी बापू ने छुड़वा दिया। कहने लगे, जा खेत में काम कर, पढ़ लिख के क्या अंग्रेजी में खेती करेगा। वैसे वो कौन से पढ़े लिखे थे यार? बोले, बाप हमारी मेंढकी, बेटा तीरंदा। तेरे मुंह से मुहावरे लोकोक्तियां तो ऐसे निकलते हैं जैसे बड़े ज्ञानी ध्यानी बोल रहे हो। अरे जिंदगी के पाठशाला में घाट घाट का पानी पिया है। अबे तू तो मस्ती की पाठशाला में पढ़ा है। अरे छोड़िए सब, एक बात बता। हाँ। ये पढ़ाई लिखाई करना क्या जरूरी है यार? बिना इसके कोई काम नहीं चल सकता। चल सकता क्यों नहीं चल सकता भाई, तेरी जिंदगी भी तो चल ही रही है ना अंगूठे, तेरी सोच भी वैसी है जैसा तेरा नाम। अरे तुलसीदास जी कह के गए हैं यार, हुई है वही जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा, हटा सावन की घटा, नो टेंशन। हाँ भाई, ये तो तुम सच कह रहे हो, इस देश में बहुतों की जिंदगी राम भरोसे चल रही है। सच? हाँ। तो इसका मतलब हम जैसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में? हम जैसे नहीं, सिर्फ तुम जैसे। गांव में एक बार अज्ञानता की बीमारी ने महामारी का रूप धारण कर लिया, तो ऐसे में गांव के ढोंगी बाबाओं के हो गए पौबारा। तो आइए देखते हैं कि सब गांव वालों ने आनंद फानन में कैसे इन्हें अपना भाग्य विधाता डॉक्टर हकीम सब मान लिया। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, 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 ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे। गाड़ दो, लेकर जो पूरब दिशा में जा और उसे काट के आ जाना। अच्छा शंकर भैया, अच्छी तरह गाडूंगा। अरे गाडूंगा नहीं तो हमारे गांव में बीमारी घुसाएगी। अरे उसकी ऐसी की तैसी, ऐसा कैसे घुसाएगी? तू ठोक के काट के आ जा, आ जा। भैया ये बीमारी पर नीम की डाल काहे गाड रहे हो? अरे बावड़े, तुझे इतना भी नहीं पता? अरे बीमारी पर नीम की डाल को नहीं काटा जाता है, बीमारी के लिए डाल को काटा जाता है। अच्छा अच्छा, समझ गया। शंकर भैया, ऐसा करने से हमारे गांव में बीमारी नहीं आएगी क्या? बिल्कुल नहीं, देखना अब सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, जय माँ काली, जय माँ काली, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। हो गई तसल्ली, पूरा गांव बंद गया। ये तो बहुत अच्छा हुआ शंकर भैया, अब बड़ी चिंता दूर हुई।
जय बाबा की, जय बाबा की। बिल्कुल, अगर ऐसा नहीं होता तो पूरे गांव में गजब हो जाता। जय बेगा बाबा की। क्यों भाई शंकर, क्या बांधते फिर रहे हो? अरे मास्टर जी, राम राम। राम राम। अरे मास्टर जी, आपको तो मालूम ही है कि गांव में एक से एक बीमारी फैली हुई है, इसीलिए हम लोग चारों दिशाएं गांव की बांधने निकले। तो बन गई चारों दिशाएं? बस बैगा बाबा की कृपा है, लगे हैं बेचारे, देखो वो जंत्र में मंत्र में। क्यों भाई बैगा, ये पूरे गांव को तुम ये नीम की टहनियों से बांध रहे हो ताकि बीमारी अंदर ना आ सके, लेकिन जो बीमार है उन्हें ठीक कैसे करोगे? वो सब झाड़ फूंक से ठीक हो जाएंगे। झाड़ फूंक से? अगर तुम्हारे झाड़ फूंक में इतनी ताकत है तो कल कलुआ का बेटा क्यों मर गया? उसे भूत प्रेत चला था, वो कैसे बचता? अरे अरे, वो तो उल्टे पांव नाचता था। मत बताओ भैया, मुझे बहुत डर लगे है। हाँ, इसे मत बताओ, बहुत बार डर पोक है, बड़ी जल्दी डर जाता है। ऐसा वैसा भूत नहीं था, ऐसा भूत ना किसी पे आया है और ना आएगा। देखो भाई, जब तक तुम लोग ये हमारी बात को नहीं समझोगे ना, इसी तरह नौटंकी करते रहोगे। ये तंत्र मंत्र बैगा बैगा का चक्कर छोड़ो और डॉक्टर के पास जा करके सही ढंग से इलाज कराओ, तभी तुम्हारा भला होगा। अरे मास्टर जी, आप भी कैसी बातें कर रहे हो है? अरे बरसों पहले हमारे पुरखे भी तो यही करते थे। अरे वो इसलिए कि तब डॉक्टरों की कमी थी। अरे भाई, अब समय बदल चुका है, हर बीमारी का इलाज है। ना ना मास्टर जी, कुछ तो है। ओफो, अच्छा बताओ, इस नीम की बारीक सी डंडी के अंदर कौन सा ऐसा एंटीना लगा हुआ है जिसे गाड़ देने से गांव भर की बीमारी गांव से बाहर हो जाएगी? मास्टर जी, आप मानो या ना मानो, लेकिन झाड़ फूंक में ताकत बड़ी हो गए। बस इनके पास सिर्फ यही ताकत है जिससे ये तुम्हें उल्लू बना रहे हैं। जो हिलना है फालतू का, चल शांत होकर बैठ जा। अरे ये क्या कह रहे मास्टर जी, गजब हो जाएगा गजब। बैगा बाबा ने कहीं बुरा मान लिया तो? कुछ नहीं होगा, देखते जाओ। शंकर भैया, सोचने की बात तो है, अब बीमारी में नीम की डाल भला करेगी क्या? अगर उसको पीस के खा ली होती या लगा ली होती तब भी बात समझ में आती। तुझे नहीं पता? नहीं। इसमें अंटीना जो है, बहुत बकर बकर अंग्रेजी बोल रहा है। देखो भाइयों, ये बीमारी का संबंध न भूत से है न प्रेत से, इसका सीधा संबंध वातावरण में आए परिवर्तन से। वर्षा हुई, गर्मी थोड़ी कम हुई, पानी रुका तो उमस बढ़ी। अब गंदगी और रुके हुए पानी से वायरस और बैक्टीरिया पैदा होते हैं जिससे बीमारी फैलती। तो ये बात है। मास्टर जी, एक बात तो बताइए जरा, ये जो बरसात का पानी हमारे कुओं में चला जाता है तो क्या इससे भी बीमारी फैलती है? हाँ, इससे भी बीमारी फैलती है, लेकिन हाँ, इस बीमारी का भूतिया नाम क्या है वो तो बैगा सब। ये क्या बताएंगे, इनके पास तो हर बीमारी का एक ही इलाज है, झाड़ फूंक। बस लेंगे और उछलना शुरू कर देंगे। शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं मास्टर जी? अगर हम पढ़े लिखे होते तो ऐसा क्यों करते? हम भी आपकी तरह सरकारी दफ्तर में मुलाजिम होते। अब सही बात की है बैगा तुमने, पढ़ाई लिखाई का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अगर हम जानबूझ करके कुएं का गंदा पानी पिएंगे तो डायरिया और दस्त होना तो स्वाभाविक है, ऐसे में बैगा क्या करेगा? बस हम यही तो नहीं जानते और नीम हकीम के चक्कर में पड़े रहते हैं। इसीलिए मैं हमेशा से कहता हूँ कि खुद भी पढ़ो और बच्चों को भी पढ़ाओ। अब मान लो तुम्हारे घर का पंप खराब हो गया तो क्या करोगे, झाड़ फूंक कराओगे क्या? क्या बात करते हैं मास्टर जी, उसके लिए झाड़ फूंक थोड़े ही ना करवाएंगे, उसके लिए तो शहर से मैकेनिक बुलवाएंगे। अब बात समझ में आई शंकर तुम्हारी, जिस तरह मशीन के कल पुर्जे खराब होने पर मैकेनिक को बुलाया जाता है, उसी तरह शरीर के पुर्जे खराब हो जाने पे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, उससे सलाह लेनी पड़ती है, इलाज कराना पड़ता है, दवा खाना पड़ता है, तभी जा करके बीमारी ठीक होती है। और हम मास्टर जी जरा जरा सी बात पे चल देते हैं बैगा साहब के पास में। हाँ, जैसे बैगा ना हो गए अलादीन का चिराग हो गए। अरे चुप, और हंस रहे हो बेहया की तरह, इसका मतलब मास्टर जी ठीक कहते हैं। भैया,
यही तो हमारी रोजी रोटी है। अब इससे भी जाएंगे तो बाल बच्चों को क्या खिलाएंगे। वाह, ये भी खूब रही। ये बेवकूफ बनाने का धंधा तो ठीक रहा तुम्हारा। ये तो भला हो मास्टर जी का जो सही समय पर आकर सब कुछ बता दिया। और शंकर भैया तो हमें पागल बताते हैं और खुद इधर उधर झाड़ गाड़ते फिर रहे हैं। जा बैठ जा, मास्टर जी के सामने बकर बकर मत कर, समझा? अरे उसे क्यों डांट रहे हो, वो ठीक ही तो कह रहा है। अरे शंकर भैया, मास्टर जी ठीक कहते हैं, अरे हम लोग दवाई तो लेते नहीं है और झाड़ फूक कराते रहते हैं। जब इंसान मरता है ना तो भूत प्रेत का चक्कर बताकर खुद का पल्ला झाड़ लेते हैं। हाँ, यही तो हो रहा है मास्टर जी। पूरे गांव में भूत प्रेत का ढोल ढकोसा हो रहा है। घी लाओ, तेल लाओ, पैसा लाओ, लोगों को खिलाओ, पर इंसान फिर भी नहीं बचता। और सस्ती बात है, अगर इतना ही पैसा और समय डॉक्टर और दवा पे खर्च किया जाए तो इंसान बच जाएगा। आप सही कहते हैं मास्टर जी, अब आपकी बात हमारी समझ में आ गई। अब हम अपना इलाज दवा दारू में ढूंढेंगे, ना कि झाड़ फूक में। हाँ, इससे तरह तरह की बीमारियां ही दूर नहीं होंगी, इंसान स्वस्थ होगा और स्वस्थ दिमाग की जो सोच है उससे गांव का भी विकास अच्छा होगा। ऐसा होगा मास्टर जी तो हम जैसे तो भूखे ही मर जाएंगे। क्यों, दुनिया में सिर्फ यही काम है जो तुम्हें करना है? और भी तो काम है, जाके कहीं मेहनत मजदूरी क्यों नहीं करते हो? अब इस उम्र में मजदूरी करवाओगे मास्टर जी? हाँ, मेहनत मजदूरी कम से कम तुम्हारे इस काम से तो अच्छा है ना। कम से कम लोगों की बद्दुआएं तो नहीं लोगे, लोगों को गुमराह तो नहीं करोगे, और जिस झूठ और फरेब की दुनिया में तुम लोगों को डाल रहे थे, क्या ये ठीक है? बड़ा सही सवाल उठाया है गंगाराम ने, इसका जवाब तुम्हारे पास नहीं है बेगा। कह तो वो ठीक ही रहा, मगर कभी कभी मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। लेकिन पापी पेट का सवाल है। तो इसका मतलब तू अब तक के ना जाने कितने लोगों को बेवकूफ बना चुका है। हाँ शंकर, अब इस समय इन बातों का कोई तुक नहीं है, तुम भी कुछ और सोचो और बैगा को भी सोचने दो। बीती ताई बिसारी के आगे की सुधले, क्यों मास्टर जी? बिल्कुल सही बात है, तो अब हमें अपनी सोच बदल देनी चाहिए। हाँ मास्टर जी, अब आपकी ये बातें हम सब की समझ में आ गई। ये झाड़ फूक ढोंग ढकोसला ये सब की सब बेकार की बातें हैं। और पढ़ाई लिखाई ही जीवन का आधार है, और गंगाराम काफी समझदार है। अरे मास्टर जी तो चले। अभी कहाँ मास्टर जी, पहले उसे उखाड़ तो आऊं। क्यों शंकर भैया? किसे उखाड़ने जा रहा है? अरे तुम्हारे नीम की झाड़ को। मास्टर जी देखो, इसका लड़ा कुल अभी तक के नहीं गया है और आप इसी के पक्ष में बोल रहे हो। अबे अंगूठा, हंसने की बात पे रो रहा है यार, माँ की याद आ रही है यार। लो अबे, इस कहानी में माँ कहाँ से आ गई यार? तुझे पता है मेरी माँ भी ना झाड़ फूक से मरी थी, उसको कप कपी हो गई थी यार। मैंने भाग के जाके ओझा को बुला के लाया, ओझा ने ऐसा झाड़ फूक शुरू किया यार, मैंने अपनी जिंदगी की सारी कमाई लुटा दी यार। पर जब हवन खत्म हुआ ना, मेरी माँ की दोनों आंखें बंद। माँ, माँ मैं तुझे डॉक्टर के पास ले जाता तो शायद बचा लेता। माँ मैं तेरा गुनहगार हूँ। माँ, माँ मैं आ रहा हूँ, माँ मैं आ रहा हूँ। अबे यार, तेरी कहानी तो इमोशनल हो गई है, पर एक बार बता, तुम लोग इनके चक्रों में फंस कैसे जाते यार? ये लोग सबको बेवकूफ बना के रखते हैं ना। एक तो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, ऊपर से इनको इन बीमारियों के बारे में कोई जानकारी भी तो नहीं होती है यार। अगर इन्हें जानकारी मिल जाए तो फिर तो ये कहानी जड़ से खत्म हो जाए मेरे भाई। तो आइए हम तुम्हें दिखाते हैं इस विषय में हमारे स्वास्थ्य विशेषज्ञों का क्या कहना है। हर एक बीमारी का एक कारण होता है, जैसे मानसिक रोगों को ही देखिए, अगर फर्ज करो उसको देवी आ गई या उसको कोई वो आ गया तो उसकी पूजा होगी और घर का कामकाज भी नहीं करना पड़ेगा, तो इस वजह से वो इस तरह से भी प्रचलित हो जाते हैं। ओझा जो है वो आसान तरीका बताता है, वो बताता है कि देखिए आपको और कुछ नहीं है, सिर्फ आपको भूत है। तो उसको अपने घर में जो समस्या है, अपने अंदर जो समस्या है, वो देखने की ज़रूरत नहीं है। उसको लगता है कि ये भूत है, ये अभी निकाल के ये बोतल में बंद करके और फेंक देना है तो ये ठीक हो जाएगा। तो इस चूँकि वो बहुत साधारण और बहुत ही आसान तरीका बताता है, हालांकि बाद में वो उनको लूटता भी है। एक नीम हकीम था, उसने मुझे बताया
कि वो क्या करता है कि जल्दी बुखार या कोई भी चीज़ ठीक करने के लिए वो जो हमारी दवाई होती है वो बीच में मिलाता है पोड़िया में और कॉर्टिसोन और स्टीरॉइड्स वगैरह देता है, उससे बुखार एक दिन में गायब हो जाएगा, उससे वो एकदम आदमी ठीक लगने लगेगा, लेकिन वास्तव में वो और बीमार हो जाता है। तो शिक्षा सब चीज के जड़ में, बिना शिक्षा के उसमें भी स्त्रियों की शिक्षा तो और भी आवश्यक है, क्योंकि एक देश में एक और महामारी फैली हुई है जिसके बारे में लोगों को मालूम होना चाहिए, वो महामारी है जनसंख्या का विस्फोट। एक शिक्षित महिला से बढ़िया गर्भ निरोधक कुछ नहीं हो सकता। जितनी भी बीमारियाँ जिसको कहते हैं हम लोग गास्ट्रोइंटेस्टाइनल, पाचन क्रिया से संबंधित है, जो कि जिसमें लीवर भी आता है और पूरे आंतें वगैरह सब आती हैं, तो डायरिया हो गया, पीलिया हो गया और इससे जो रिलेटेड बीमारियां हैं, इसको इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है, एक तो पानी साफ होना चाहिए, दूसरा जब भी खाना खाएं तो हाथ को धोकर बढ़िया से तब हाथ से खाना खाएं। सब्जियां लाते हैं जैसे मूली है, गाजर है, जो जमीन के अंदर होती है, जो कच्चा खाया जाता है उसको गर्म पानी में बढ़िया से धो के, अच्छी तरह से धो के यदि कच्चा खाना है तो खाएं, तो ये बहुत ही आवश्यक है, जिससे ये बीमारियां बचेंगी। दूसरी अन्य बीमारियां जो इन्फेक्टिव हैं, जैसे काला जार, मलेरिया और फाइलेरिया, ये तीन बीमारियां जो होती हैं वो मच्छर के काटने से होती है। अब मच्छर से बचने का तरीका है, बहुत साफ सुथरा होना चाहिए एनवायरनमेंट, पानी गंदा नहीं होना चाहिए, उस पर कुछ दवाइयों का छिड़काव जो कि बगल के अस्पताल से या बगल के जो स्वास्थ्य विभाग है उससे आपको निर्देश मिल जाता है कि आप करिए, और रात में जब भी सोएं तो मच्छरदानी लगा के सोएं। जहाँ पे जानवर बंधते हैं वहीं पे वो रहती है बालू मक्खी, तो जो लोग झोंपड़े में यहाँ खुद सोते हैं और दूसरी तरफ जानवर है वो आकर के वो मक्खी बालू मक्खी काटती है और उनको कालाजार होता है जो बड़ी खतरनाक बीमारी है, तो उससे बचने के लिए बहुत आसान है, या तो आप फर्स्ट फ्लोर पर सोइए और दूसरा मच्छरदानी का प्रयोग कीजिए, और जानवरों को थोड़ा दूर रखिए जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ से। बीमारियों के जाल फैले हैं तो भाई उपचार के भी सौ सौ गौरव धंधे हैं। अरे भैया ये बाबा लोग भी ना खत का मजमू भाप लेते हैं लिफाफा देखकर। भाई कुछ तथा कथित डॉक्टर भी नब्ज देखकर भाप लेते हैं कि कितना माल है, कैसे निकलवाना है और इलाज कितने दिन चले। ठीक बात। एक तस्कर को डॉक्टर ने सोने की गोली खाने की सलाह दी, तो तस्कर की बीवी बोली, डॉक्टर साहब सोने की गोलियां तो नहीं है। हाँ सोने के बिस्किट जरूर है। तो डॉक्टर ने कहा, सोने के बिस्किट यहाँ आने दो और इन्हें केमिस्ट से सोने की गोली लाके दे दो। यार डॉक्टर की बात से मुझे याद आया, एक बार एक मालदार मरीज को देखकर वो बोले कि रुपया हाथ की मैल है, जरा पहले अपना हाथ तो धो ले। इलाज कोई मुश्किल नहीं होता, सिर्फ मूर्ख ज्यादा और अकलमंद कम होते हैं, इसलिए अनुपात सही हो तो साझेदारी हो। यार साझेदारी से मुझे याद आया, अगर डॉक्टरों के साथ साथ बाकी लोगों को भी डॉक्टरी ट्रेनिंग दिया जाए तो, जैसे फर्स्ट एड मदद, सेकंड एड मदद, लक्षण देख के बीमारी का पता लगाना, और ऐसी योजनाएं अब शुरू हो चुकी हैं। अच्छा तो आइए आपको लेके चलते हैं राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा चलाए जा रहे ऐसे ही एक जन शिक्षण संस्थान। यहाँ बेरोजगारों को व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में पैरामेडिकल कोर्सेज के जरिए ग्रामीण स्वास्थ्य एवं विभिन्न आपदाओं से मोर्चा लेने का प्रशिक्षण दिया जाता है। गैर सरकारी संस्थान भी इस दिशा में अहम भूमिका निभा रहे हैं। एचआईवी एक वायरस है जिससे एड्स फैलता है। एचआईवी का जो है ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो है इसी से एड्स फैलता है। इसमें चार कारण होते हैं जिससे एड्स फैलता है। पहला है असुरक्षित यौन संबंध, दूसरा है एचआईवी संक्रमित रक्त चढ़ाने से, ये मतलब किसी खून के, मतलब अगर कोई एड्स पेशेंट है और उसे हम छू लें या उसके साथ उठना बैठना है उसे एड्स नहीं फैलता है, किसी के कपड़े इस्तेमाल करने से या किसी का, हाँ मच्छरों के काटने से भी एड्स नहीं फैलता है। प्रशिक्षित स्वयं सेवक नुक्कड़ सभाओं, नाटकों और विभिन्न प्रचार प्रसार के माध्यमों से लोगों के बीच जाकर खतरनाक रोगों के बारे में जन चेतना फैलाने का कार्य कर रहे हैं। सारी खुशबू फ्री की है।
सतत शिक्षा केंद्रों के माध्यम से इस दिशा में तेजी से कदम बढ़े और प्रेरकों की बड़ी संख्या निकल पड़ी प्रत्येक क्षेत्र में प्रेरणा का स्रोत बनकर। शिशु स्वास्थ्य को आधार बना सामुदायिक बाल पोषण विकास केंद्र विचार प्रसार में लग गए। इस जन चेतना अभियान के फलस्वरूप जिन कानों पर कभी जून तक नहीं रेंगती थी वही प्रशासन हरकत में आया और वर्षों से रुके हुए कामों को अंजाम देने में जुट गया। ये स्वच्छता अभियान केवल मैदानों तक ही सीमित नहीं रहा, ये जा पहुंचा पहाड़ों में भी। जी हाँ, आप तो जाते हैं पहाड़ों पर हवा पानी बदलने, लेकिन बीमारियों ने यहाँ का भी हवा पानी बदल दिया और यहाँ भी जीना पहाड़ कर दिया। सौंदर्य की घाटियों में बहती इन स्वस्थ हवाओं में भी प्रदूषण ने जहर घोलना शुरू कर दिया। जो गुणों की खान था वो रोगों का घर बनने लगा। प्रकृति की अपार संपदा हमारी अमूल्य धरोहर है, इसे सहेज कर संभाल कर इसके रूप सौंदर्य को निखारना हमारा दायित्व है। जीना पहाड़ हो तो ना घबराना, पहाड़ सा जीवन इन पहाड़ों की सुरमय घाटियों में बिताएं। यार मैं एक बात सोच रहा था कि ऊपर वाले को इतनी सारी बीमारियां बनाने की जरूरत ही क्या थी, एक आध देता तो उसके इलाज भी हो जाता। भैया बीमारियां इंसान की पैदा क्यों हुई है, भगवान की नहीं, और सबसे बड़ी बीमारी है अज्ञानता की। अरे यार तू फिर घूम फिर के वही पढ़ाई पे आ जाता है। यार अब तो मैंने भी ठान लिया है। क्या ठान लिया? यार मुझे भी पिक्चर में आना है, कुछ कर दिखाना है। अरे तू तो बिना कुछ किए ही पिक्चर में है। अरे ये वाली नहीं यार, कुछ नाम करना है। तभी तुझे कहा था भाई कुछ पढ़ ले, लिख ले, अक्षर ज्ञान ले है, तब तू जो भी करेगा वो ठीक ही होगा। भाई अब तो सरकार के प्रयास से अज्ञानता के अंधेरे कटेंगे, ज्ञान के दीपक हर तरफ जगमगर जलेंगे। ऐसा क्या? हाँ, अब देखो ना, दूर दराज के इलाकों में, पर्वतीय क्षेत्रों में अज्ञानता की वजह से अंधविश्वास ने जड़ें जमा ली थी। कर्मठ कार्यकर्ता उन्होंने ना केवल गांव वालों को वस्तु स्थिति से अवगत कराया बल्कि उनकी सोच ही बदल डाली। तो आइए आपको लेके चलते हैं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में, जहां जौनपुर में बसा है गांव भदवाड़ी। गांव भदवाड़ी में जो है पीलिया फैल गया था, अब पीलिया से जो है लोग परेशान हो गए, सारा गांव परेशान हो गया। पौराणिक लोग यही जानते थे कि भाई हाँ झाड़ने से ही अच्छा होता है, झाड़पूस से ही अच्छा होता है, तो तमाम पंडित से जो है झाड़पूस कराया, सारा गांव तेली तेल से भर गया। तो लोग बाग कहते थे कि ये पीलिया जो है किस इसमें भूत प्रेत का भी होता है, इसमें कुछ लगन भी लगते हैं गलत, तो ये जो है झाड़पूस से ही या कुछ तंत्र मंत्र से ही ठीक होता है, लेकिन ऐसा हमें कुछ नहीं लगा। फिर भी गांव वालों को यही शक रहा है कि ये कुछ देवी देवताओं के प्रकोप से ही है, जिससे कि हम अब ठीक भी नहीं हो रहे हैं, झाड़ पूछ बतरा करवाया। पीलिया जो रोग यहाँ फैला था वो पानी के गंदे होने से, स्रोत के गंदे होने से फैला है, न कि किसी देवता के प्रकोप से उससे फैला है। देवता कभी किसी पर प्रकोप नहीं करता, प्रकृति के प्रति हम लोग गलत जाते हैं, गंदगी फैलाते हैं, स्रोत हमने खुद ही गंदा करा हुआ था। पानी का स्रोत जब हमने जांच करा, सब लोग मिलके गांव वाले गए, जो डॉक्टर्स थे वो भी गए, तो स्रोत में पाया कि मृत पशु का कंकाल पड़ा हुआ है और वहाँ बहुत बदबू मार रही थी और उस पानी को ये पी रहे थे। साथ ही देखा तो इनकी पशु छानियाँ भी, जो भगोरताल स्रोत है उससे ऊपर छानियाँ हैं, और वो छानियों का जो मलमूत्र गंदगी भी बह के सीधी स्रोत में आ रही है। यहाँ पे अब शौच करने का भी ये है कि नदी में ही जाते हैं, अभी घरों में इनका शौचालय वगैरह नहीं है, तो वो भी एक गंदगी डेली उसमें जा रही है, और पानी पीने का जरिया मुख्य वही है गाँव का। एक जागरूकता के लिए कार्यक्रम सब लोगों ने मिल के करा, स्रोत की पूरी सफाई कराई और कुछ दिन के लिए पानी को प्रतिबंध कराया गया कि आप पीने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मृत पशु पाया गया है और ये जो पशु के सड़ने से इसमें बदबू भी आ रही है और ये पानी हम पी रहे हैं ये बहुत हानिकारक है। वहाँ पे कैचमेंट किया गया, लकड़ी के पिलर खड़े करे गए, कांटे लगाए गए और
पेड़ लगाए गए जिससे वो स्रोत संरचित हुआ बाद में हल्के, और वो भी पानी को अब इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस तरीके की कोई बीमारी नहीं है। अब तो हमें यही लगता है कि भाई ये बीमारी है जो है देवी के प्रकोप से नहीं होती है। झाड़ फूस से तो हमें कोई फायदा नहीं हुआ है, हमें जो है अपने आप ही स्वच्छ रहने से, अपना वातावरण स्वच्छ रखने से जो है हमें फायदा हुआ है। शुक्र है गाँव वालों की आंखें तो खुली और इसे कोई दैवी प्रकोप नहीं माना। यार मैं तो कहता हूँ ये अंधविश्वास का जाल फैलाने वाले तांत्रिकों, बाबाओं और ओझाओं को ना फ्रंट पे भेज देना चाहिए दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए। भाई ये तो वहाँ जाकर के भी तंत्र मंत्र जपने लगेंगे और बंदूक पकड़ी तो समझ नहीं पाएंगे कि नली अपनी तरफ रखे या दुश्मन की तरफ। अरे नली किधर भी रहे, दोनों ही हालातों में फायदा तो देश को ही होना है। चलो शुक्र है इसके दिमाग की बत्ती जली और समझ में आया कि विश्वास और अंधविश्वास में कितना फर्क है। तो दोस्तों पढ़ लिख कर ही अज्ञानता के बंधन कटेंगे और मेरे जैसे अंगूठे अंगूठा छाप नहीं रहेंगे।